सीबीएसई में एमसीक्यू तो फिक्स है, वो तो आना ही है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये भी फिक्स है। देखिए, जब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाएंगे एमसीक्यू बनेगा नहीं। आज एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्टिव है, लेकिन इसको अगर एमसीक्यू के रूप में बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे। वीडियो में बने रहोगे, लीव नहीं करोगे, स्किप नहीं करोगे, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक इस क्वेश्चन के साथ मैं देने वाला हूँ। इसको देखोगे बढ़िया से मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस एक क्वेश्चन पर जो कि सब्जेक्टिव है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन, तो साबित करना है साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहां पर एक बार ध्यान में रखो कि cos और साइन है लेकिन दोनों प्लस है, तो प्रूफ जो करना रहता है ये वाला पहले रख दो, पहले वाले को बाद में रख दो और साइन दोनों के बीच का चेंज कर दो, ठीक। तो आ गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साबित करना है प्लस माइनस वन है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। देखो जरा, ये इसका ये वैल्यू हमको प्रूफ करना है। हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग के मान लेते हैं, ये के है, और के बाद में साबित कर देंगे प्लस माइनस वन है, तो क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये वाला को इक्वेशन वन मान लेना, इसको इक्वेशन टू मान लेना, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग प्लस एडिंग, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कर दिए और ऐड कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग का मतलब यही हो। तो लेफ्ट साइड वाला ये हुआ, राइट साइड में इसको भी तो स्क्वायर करेंगे, यानी वन का स्क्वायर, और प्लस इसको के माने थे तो प्लस के स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर में है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, तो माइनस टू ए बी, यानी कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, तो वन ही होगा प्लस के स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है इसका वैल्यू हमको वन मिलता है, तो हम लोग लिख लिए वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस है माइनस में टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और यहां बच जाता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर। वन प्लस के स्क्वायर, वन दोनों साइड है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू वन, therefore k इज इक्वल टू, किसी का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा, और k किसको माने थे, तो k माने थे साइन थीटा, therefore साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्रूफ तो होना ही था, प्रूफ हो भी गया। अब हम लोग चलते हैं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है उसको किस तरह से सॉल्व करो। इसका एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जरा सा इसको साफ कर लेते हैं, ये जो पूरा है तब बताते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया,
साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये एमसीक्यू है। अब सवाल ये उठता है कि इतना तो टाइम है नहीं एमसीक्यू सॉल्व करने में, उतना उसमें 5 मिनट लग गया था, तो कैसे क्या करते हैं? देखो इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देखो कि इस तरह का क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस कुछ भी रहे, कॉस के साथ कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, साइन के साथ कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अंतर यहां पर क्या है कि ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, एक नंबर बात याद रखोगे। दूसरी बात कि ये कॉस प्लस साइन है तो जो प्रूफ करना होगा वो साइन माइनस कॉस होगा, ठीक। अगर इस तरह का कंडीशन देखोगे तो सीधा इसका वैल्यू तुम लिख दो, इसके साथ जो कोफिशियंट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पर कॉस के साथ जो कोफिशियंट है यानी कि वन है, यहां पर साइन के साथ कोफिशियंट वन है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वन स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, और जो इसके इक्वल दिया हुआ है ये जो इक्वल है उसको उसमें माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग प्लस और माइनस दोनों लेंगे, ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट में होता है, तो प्लस माइनस आएगा ही। कितना सेकंड लगा बनाने पे? अब कहोगे कि ये क्वेश्चन तो बन गया लेकिन दूसरा कोई क्वेश्चन आ गए तो चलो अनमने ढंग से एक क्वेश्चन लिखते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, इसी फॉर्म में ये है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है? पहली बात तो ये प्लस है तो वो माइनस होगा, एक नंबर। दूसरा है कि इसको पहले लिख लेना है, कॉस लिख लेंगे यहां पर, लेकिन कॉस के साथ बी है तो वो ए आ जाएगा, ए और माइनस प्लस की जगह पे माइनस, और यहां पर बी है तो ये साइन यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और ये बी लिख देंगे कि साइन के साथ कोफिशियंट ए था, यहां पर कॉस के साथ कोफिशियंट ए आ जाएगा, कॉस के साथ कोफिशियंट बी था, यहां साइन के साथ कोफिशियंट को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, अदल बदल देंगे, ठीक। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका पता है उसको देखो, जो गिवन है ये वाला, इसको कंसीडर करना है। इसको कंसीडर करके क्या करेंगे? साइन के साथ जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो इसको लिख लिए इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे? जो इक्वल में दिया हुआ है यानी कि एक्स, इसको माइनस कर देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इतना होगा ही, प्रूफ करके देख लो, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद है कि ये ट्रिक जरूर पसंद आया होगा, अगर ये ट्रिक पसंद आया हो, मजा आया हो, लाइक लंबा लाइक मारोगे, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी, ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।